हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज आपकी एक विशेष क्लास होगी और एक विशेष तरीके से होगी, क्योंकि साथियों आपको बताते हुए खुशी हो रही कि आज आपकी जो क्लास है वो दोनों चैनल पे चलेगी, यानी आपके पीबीआर स्टडी प्रयागराज और पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे दोनों पे चलेगी। तो बच्चा लोग आप सभी आ जाओ फटाफट लाइव, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था, समीकरण। आज हम समीकरण में आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, समीकरण को हल कैसे करते हैं। समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्विघात समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरण होते हैं, तो इन सब को हम एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। जी बिल्कुल, अनंत पांडे जुड़ चुके हैं, सोनम शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं, साक्षी सिंह, अंकिता सिंह, दिनेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, सुधांशु जुड़ चुके हैं, प्रतिमा सिंह, और जो छात्र पी बी आर स्टडी प्रयागराज पे जुड़े हैं उनसे एक ही बार कहेंगे कि भैया आप सभी पी वी आर स्टडी चैनल नंबर 3 पे आ जाइए। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, क्योंकि पी वी आर स्टडी चैनल नंबर 3 का हम कमेंट पढ़ेंगे और पी वी आर स्टडी इलाहाबाद का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइव तो दोनों पे है आज, चलो, लेकिन हमारी निवेदन यही होगा, रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग पी वी आर स्टडी चैनल नंबर 3 पे आइएगा, जो नए बच्चे हैं उस पे देखेंगे, चलो ठीक है। आज आपका ये लाइव 14 है बच्चा, कौन सा है भैया ये लाइव 14 है, लाइव नंबर कौन सा है, 14 है। अब ध्यान दो आप लोग, मुझे एक बात बताओ, ये आपने सुना है कि नहीं, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण सुना है आपने, सभी सुने हैं ना, सभी सुने हैं। चलो अब ध्यान देना, रेखीय समीकरण क्या होता है भैया, इसके बारे में आप लोग बताओ। इसको इंग्लिश में LINEAR लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, रेखीय समीकरण क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन, यहाँ होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अच्छा ये बताओ, जो छात्र पी बी आर स्टडी प्रयागराज यानी इलाहाबाद चैनल पे हैं उनको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया, कैसे दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को पुराने सिस्टम से लगाया गया लाइव, बाकी जो पी बी आर स्टडी चैनल नंबर 3 पे हैं उनको नए सिस्टम में लगाया गया है। तो बच्चा लोग आप ये बताओ भैया कैसे दिख रहा है आपको, मतलब क्लियर आ रहा कि नहीं बताइए। गुंजन सिंह, ध्रुव, रविशंकर, रमेश जी, जो बड़े चैनल पे हैं, कैसे दिख रहा है बोलो, क्लियर है, सही दिख रहा है ना, चलो ठीक है। इधर साइड भाई, पूजा यादव, पूजा, अनंत, सभी को दिख रहा है, मस्त है, चलो ठीक है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्रुव जी का रिप्लाई भी आ गया, सभी का आ गया। रविशंकर जी आप पी वी आर स्टडी 3 नंबर चैनल पे आ जाओ बाबू, सभी लोग इसी पे आ जाओ, क्योंकि इस पे जरूरी है, इस पे हमें वॉच टाइम पूरा करना है। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये ढेर सारी विधियाँ होती हैं ना, इन सभी विधियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान दो, पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इनका पहचान जान लो, इनसे परिचित तो हो जाओ, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। अब देखो इधर, जैसे मैंने ये समीकरण लिखा, x प्लस 1 इक्वल 9, ये रेखीय समीकरण है, लेकिन अगर मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 7 इस तरह से, तो ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, ये देखो ये क्या है भैया, ये द्विघात समीकरण है, क्या है ये, द्विघात समीकरण है। आप लोग नोट करो, संध्या कुमारी जी क्लियर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, इस चैनल पे मैं भी देख रहा हूँ भैया। देखो जिन बच्चों को पी वी आर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे क्लियर नहीं आ रहा है, वो बच्चे पी वी आर स्टडी 3.0 चैनल पे आ जाएं फटाफट, ये पी वी आर स्टडी 3.0 चैनल पे सभी बच्चे आ जाएं जिनको पी वी आर स्टडी इलाहाबाद पे क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टम जो है वो पुरानी वाली लगाई गई, इस पे नया है भैया। हाँ चलो अब आगे बात करते हैं, इसमें मुझे x का मान बताओ सभी बच्चे, यदि x प्लस 1 इक्वल 9 है तो आप x की वैल्यू बोलो क्या आएगा, जल्दी फटाफट जवाब दो, जितने भी बच्चे हैं सभी बताओ क्या आएगा। रोशनी साहू, देखो जो बच्चे पी वी आर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे हैं वो सभी पी वी आर स्टडी 3.0 चैनल पे आ जाएं, क्योंकि उस पे हो सकता है क्लियर नहीं दिखेगा। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शालिनी रंजन का आंसर आ गया, भारती भगत का आ गया,
जिन्नत का आ गया भैया, कौन कौन है सभी के आंसर आ गए। तो बच्चा वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एडवर्टाइजमेंट भी आ गया यार, इसमें बड़ी मुसीबत है। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए, इसमें मान आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये यक्स इक्वल 9 पहले से लिखा है, जो इधर का नंबर होगा इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में है माइनस हो जाएगा, इस तरह से यक्स के वैल्यू 8 आएगी। लेकिन आप इसमें कोई बताए मुझे क्या आएगा यक्स के मान, इसमें कोई बताएगा क्या आएगा, जवाब दीजिए। देखो, इनको हल करने का एक आसान तरीका होता जिसमें आप गुणनखंड करते हो, मैं वो बताऊँगा। भैया एकदम मस्त दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चैनल पे अच्छा दिख रहा है, दोनों चैनल पे अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी भी चैनल पे सब अच्छा दिख रहा है। चलो, इनको हल करने का एक तरीका है कि आप बीच वाले पद को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ये हल करने का पहला तरीका है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, हम वैसे ही कुछ पहले करने वाले हैं। देखो, गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर 3 आए, ये जो समीकरण लिखा गया है ये सामान्य तरीके से हल नहीं होगा। इसको हम आसान भाषा में आपको बता दें तो आप इसको ऐसे कर लो, 2 1 3 और 2 1 कम 2, ये अगर इतना होगा तो ये हल हो जाएगा आसानी से, नहीं तो इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। चलो, अब ध्यान दो, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें अब हमें क्या करना है, पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, जवाब दीजिए। भैया यहाँ पे x का गुणांक 1 है, क्या है 1 है, तो हमें यहाँ पर इसमें गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि गुणा करने पर 2 आए, कोई ऐसा अंक बताओ जिनको गुणा करें तो 2 आए, और जिनको क्या करें, जिनको अगर जोड़ दें तो 3 आ जाए। बोलो कोई नंबर जिनको गुणा करें तो 2 आए, जोड़ दें तो 3 आए। देखो इधर किसी का आंसर भी आ गया, राधा रमन जी का आंसर भी आ गया, बहुत अच्छे राधा रमन जी। इसमें मैंने पुराना माइक्रोफोन लगाया था, जो PBR स्टडी चैनल नंबर 1 पर है बड़े वाले पर, लेकिन फिर भी आवाज़ क्लियर है, सब कुछ मस्त है, बहुत अच्छा है। चलो, हाँ तो देखो, 2 धन 1, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। इसको हम कर सकते हैं भैया 2+1, अगर 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं फिर। अब ध्यान दो इधर साइड में, समझने की कोशिश करना, ये यक्स का स्क्वायर ऐसे रहेगा जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस ये 3 को आप तोड़ोगे 2 पार्ट में, बिल्कुल समझने की कोशिश करो भैया, 3 को 2 पार्ट में तोड़ोगे तो 2 धन 1। भाई 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं ना, और बाहर में यक्स था तो यक्स, और प्लस ये 2 = 0, बस यही इसमें मेन होता है। हाँ, यही इसमें मेन होता है, बस हो गया। चलो अब आगे क्या करना है, कॉमन ले लो इसमें, यक्स का स्क्वायर प्लस 2 का एक्स में गुणा करो, 2x प्लस यक्स प्लस 2 = 0, ये क्लियर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब इसमें कॉमन क्या होगा, श्वेता सिंह बिल्कुल सही बताया आपने, कॉमन क्या होगा बताइए, व्हाट इज द कॉमन ऑफ, और क्या बोलेंगे भैया इसको, मुझे इंग्लिश में नहीं आता, चलो हिंदी में बताओ। देखो बिल्कुल सही बताया गुंजन सोनी ने, x कॉमन हो जाएगा। अरविंद कुमार ने भैया बताया, PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल से हैं ये, हाँ बिल्कुल, इसमें x कॉमन हो जाएगा। देखो आप जानते हो कॉमन का मतलब क्या होता है, अभी थे समझो, हम इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें से आप 1 कॉमन लोगे बाबू तो x प्लस 2 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिनको ये नहीं समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, जिनको ये नहीं समझ में आया वो नो लिख के कमेंट करें, और जिनको समझ में आ गया वो बोलें यस। सभी को समझ में आ गया, आप लोगों को भी आ गया। चलो अब देखो, जो दोनों में आया है, जो 2 बार कॉमन हुआ है वो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे बिल्कुल। जिनको नहीं आया टेंशन मत लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 2 2 बार है ना, इसको एक जगह लिख लोगे, और जो यक्स प्लस 1 है ये एक जगह बराबर 0, ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। अगर आपको गुणनखंड करने को कहा गया है तब, अगर आपको गुणनखंड करने को कहा गया है तो ये आपका आंसर हो गया x प्लस 2 x प्लस 1, नीचे दिख रहा है ना। चलो ठीक है, जिनको नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, कॉमन का मैं मतलब समझा रहा हूँ। देखो ये हो गया,
लेकिन अगर इसमें से आपको कहा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल बताइए, अगर आपसे पूछा गया होता कि इनके मूल बताइए, देखो अगर गुणनखंड पूछा है तो x प्लस टू और x प्लस वन हो गया, बस इतने पे ख़त्म। लेकिन अगर मूल निकालने को कहा गया हो, मूल निकालने को कहा गया हो तो इनके मूल क्या होंगे, यदि x प्लस टू इक्वल जीरो करोगे तो x इक्वल माइनस टू आएगा, और यदि x प्लस वन इक्वल जीरो करोगे तो x इक्वल माइनस वन आएगा। ये मूल वाला में अलग हो जाएगा, बात पक्की हो गई ना। चलो अब जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन का मतलब नहीं समझ पाए वो बहुत प्यार से देखें, जिनको ये नहीं समझ में आया कॉमन कैसे हो गया, कॉमन कैसे हो गया, पहले कॉमन का मतलब समझो, कॉमन का मतलब समझो। देखो कॉमन होता क्या है, इसको किनारे कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत आसान है। अब कॉमन का मतलब समझो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना, गारंटी हमारी है सबको समझ में आएगा। इस समय 128 बच्चे देख रहे हैं जिसमें 58 पीवीआर स्टडी 3 पर हैं और पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 1 पर भी कुछ बच्चे हैं। अब ध्यान दो, नहीं जल्दी नहीं बताएंगे, बहुत देर में बताएंगे, टेंशन मत लो, मैं ये बता रहा हूँ कैसे आया, ध्यान से समझो। देखो जैसे अगर हम आपको कहें कि 9 धन ये 12 लिखा है, हाँ, और इसमें हमें 3 कॉमन लेना है, क्या करना है भैया, इसमें हमें 3 कॉमन लेना है। अब कॉमन का मतलब समझो, अगर हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, समझो अगर हम 3 कॉमन लेंगे 9 में से, इसका मतलब है कि हम 9 में 3 से भाग करेंगे, कॉमन का मतलब होता भाग, इसका मतलब क्या है कि हम 9 में 3 से भाग करेंगे। आप बताओ कितना आएगा, सभी बोलो, 3 आएगा ना भैया, 3 आएगा ना, यानी इसकी जगह पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये बात पक्की, 3 आएगा ना। अब देखो प्लस की जगह पे प्लस लगा लो, अब कॉमन तो आप दोनों में से लोगे ना, जो लोगे अगर कोष्ठक में है तो ना, दोनों में से लोगे ना, तो भैया 9 वाला तो हो गया, अभी 12 वाला है। अब 3 कॉमन आप सिर्फ 9 से अकेले नहीं लोगे, दोनों में से लोगे, तो 12 से 3 का मतलब है कॉमन कि 12 से 3 कॉमन लोगे, यानी 12 में 3 से भाग करोगे, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, इस तरह से 3 प्लस 4 आएगा। ये आपको समझ में आ गया, आ गया समझ में, प्रार्थना जी, सोनम शुक्ला, अनुराग, और कौन है भैया, अंकित, अंकिता, दिनेश, दीप्ति, सभी को आ गया ना, ये सभी को आ गया। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझो, ये अगर आपको आ गया अब आप ये समझ जाओगे। देखो पहले मीठी गोली खिलानी चाहिए, बाद में कड़वी वाली भी हजम हो जाती है, लेकिन पहले मीठी वाली खाओगे तब। अब देखो कैसे, ध्यान दो यहाँ पे, अब हमें यक्स का स्क्वायर प्लस टू यक्स में कॉमन लेना, यक्स क्या करना है, इसमें हमें यक्स कॉमन लेना है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें यक्स कॉमन आखिर कैसे होगा, इसमें यक्स कॉमन आखिर कैसे होगा, ध्यान दो। तो भैया यक्स कॉमन का मतलब है कि हम यक्स के स्क्वायर में यक्स से भाग करेंगे, बोलो करेंगे ना। तो भैया यक्स का भाग का मतलब है कि स्क्वायर का मतलब यक्स गुणे यक्स और नीचे यक्स, ये क्लियर है। आप एक से एक यक्स काट दो बच्चा, सिर्फ वन यक्स बचेगा, आप यहाँ पे वन यक्स लिख दो, बीच में प्लस लगा था, हो गया। जैसे आपने 9 और 12 वाला देखा था, हमने 9 को भी काटा था, 12 को भी अलग अलग किया था ना, वैसे अब आप 2x को भी करोगे, क्या करोगे, 2x को भी करोगे, यानी 2x में क्या करोगे, x से भाग करोगे। ध्यान से समझो, जिनको समझना है क्लास छोड़ के मत जाना, जिनको नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं, कहीं भी जाएं। x से x कटेगा 2 आएगा, इस तरह से जब हमने इसमें x कॉमन लिया था तो x प्लस 2 आया था। जिनको समझ में आया जल्दी बोलो यस, और मैंने लाइक करने को नहीं कहा था इसलिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो निवेदन है जल्दी से लाइक कर दो, सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, देर मत करो। हाँ क्लियर दिख रहा है भैया, सविता उपाध्याय, दिनेश, प्रार्थना, शोभा, कृष्णा राय, जो भी बच्चे पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर हैं उनसे निवेदन है पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे आ जाएं, सभी बच्चे पीबीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पे आ जाएं, क्योंकि लाइव दोनों चैनल पे चल रही है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो 3 नंबर चैनल पे देखें, उनसे निवेदन है PBR Study 3.0 चैनल पे आ जाओ बच्चे, जो भी वहाँ पे हो सभी आ जाओ, हाँ सभी बच्चे इस पे आ जाओ भाई, उस पे मत देखो यार प्लीज, इस पे आ जाओ, आपसे निवेदन है।
क्योंकि मैं उसको लाइव इसलिए किया हूँ जिससे वहाँ से नए बच्चे जुड़े, क्योंकि वहाँ पे 2 लाख बच्चे हैं, तो नए बच्चे इसमें आए, हमारी ये कोशिश है। चलो ये सबको समझ में आ गया, इतना सबको आ गया ना। अब देखो दूसरा वाला देखो, हाँ यक्स प्लस टू, ये बताओ इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, हाँ लेकिन इसमें कॉमन है। कॉमन लेना यहाँ पे मजबूरी होती है, कॉमन दोनों में लेना पड़ेगा हमें, इसमें भी लेना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि हमें गुणनखंड बनाने हैं मतलब दो पार्ट में, तो यहाँ पे इसलिए हम कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 हर एक संख्या में कॉमन होता है, हर एक चर अचर में कॉमन होता है, मतलब एक जो है ना ये सार्वजनिक है, सरकारी चीज़ है, ये सबके साथ रहता है, इसको कहीं भी कॉमन ले लो। तो 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आप यक्स में 1 का भाग करोगे, तो भैया जब 1 से भाग करोगे किसी भी संख्या में हमेशा वही संख्या आती है, 1 बेचारा बेवकूफ़ बन जाता है। उसी तरह से 2 में भाग करोगे 1 से तो भी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी यक्स प्लस 2 आएगा। तो ये हो गया था एक्स प्लस 2। अब समझ में आया, आया समझ में, नोट कर लो। 10 बच्चे लगभग आ गए इस चैनल पे, वहाँ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलो बच्चा लोग ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कहाँ दिख रहा है कहाँ तक नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो अभी अभी जुड़े हैं सोमनाथ, जानवी, दिनेश, साहिल, अरविंद, आदेश, सविता, आपसे निवेदन है सभी बच्चे PBR स्टडी चैनल नंबर 3 पे आ जाओ बाबू, सभी बच्चे PBR स्टडी चैनल नंबर 3 पे आ जाओ। सेम वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हम सबको देख रहे हैं, लेकिन हम वो कमेंट नहीं पढ़ेंगे आप लोग का, इसलिए अगर कमेंट पढ़ना तो इसमें आ जाओ, कमेंट पढ़ना तो इसमें आ जाओ। चलो तो ये तो हो गया आपका, क्या ये तो हो गया आपका, जब द्विघात समीकरण आसानी से गुणनखंड हो सके तो उनके गुणनखंड निकालना या मूल निकालना। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिनके फैक्टर आसानी से नहीं होते हैं, उनको कैसे करोगे, उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस तरह के कुछ और सवाल देखें जिससे आपका थोड़ा सा मन जो है ना वो मतलब उम्मीद वाला हो जाए कि हाँ मुझे आएगी। चलो तो आएगी तो ज़रूर आएगी, नहीं तो जाएगी कहाँ। ठीक है तो मैं एक सवाल और दे रहा हूँ इधर साइड में, मुझे आप लोग इसका गुणनखंड करके बताओ, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन है यक्स का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल 0, हमें इसका गुणनखंड बताओ बच्चे, आप लोग फैक्टर बताओ। चलो राधा रमन जी आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं, लखन सिंह, अमरीश, ध्रुव, अरविंद, साहिल त्यागी, चलो ठीक है मत आओ, कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़ो, दोनों आपका ही चैनल है। लेकिन बात क्या है ना, इसमें कुछ ज़रूरत है आपकी इसलिए मैं बुला रहा था, लेकिन नहीं सुनोगे तो जाओ कोई बात नहीं। चलो ठीक है, 15 अक्टूबर से उसी पे क्लास चलेगी, बड़े वाले चैनल पे ही चलेगी, इस पे नहीं चलेगी, लेकिन बस हमें इस पे 15 दिन ड्यूटी है हमारी, चैनल तो आपका अपना ही है। चलो इसका देखो फैक्टर कुछ बच्चों ने बता दिया, जैसे राधा रमन ने इसका आंसर बता दिया है, शेषनाथ प्रजापति ने बता दिया है, गुंजन सोनी ने बता दिया है, और जो बच्चे भैया उस पर बता रहे हैं उनका तो मैं नाम नहीं बोलूँगा। और कोई एनीवन, दीप्ति सिंह आपने भी बता दिया, चलो ठीक है। निहारिका का भी उत्तर आ गया, नितिक जी का भी आ गया, आदेश का भी आ गया, चलो ठीक है। तो बच्चा देखो ये भी आसान वाला सवाल है, वेरी सिंपल वाला है बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें जो बीच वाला संख्या है यानी 7x, इसका जो गुणांक है यानी 7, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम इस संख्या को ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिनको जोड़ दें तो 7 आ जाए, जोड़ दें तो 7 आ जाए, और गुणा कर दें तो 10 आ जाए, गुणा कर दें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए, हाँ ठीक है, गुणा कर दें तो 10 आ जाए। तो अब मुझे आप लोग बताओ कौन कौन से दो गिनती होंगी, देखो पुष्पा वर्मा ने बता दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे। और कोई भैया मृत्युंजय कुमार आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप यहाँ आ गए, मैं यही तो चाहता था कहीं आ जाओ आप लोग इस पे आ जाओ भैया। चलो तो अगर हम 5 और 2 ले लें तो 5 2 7 हो जाएगा, अगर 10 की बात करें
तो 5 का 2 में गुणा कर दो बच्चा, तो 10 भी हो जाएगा, यानी 5 और 2, 5 और 2। बहुत से बच्चे फैक्टर भी बता दिए हैं। ध्रुव जी, जानवी, अंजलि मिश्रा, जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं मैं उनको बताऊंगा, भाई हाथ मत उठाओ, बैठे रहो, पढ़ो, ठीक है, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बीच में बात करेंगे तो बताएंगे। तो हम 7 को भैया पाई प्लस 2 लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल 0। ये बात हो गई पक्की। अब तो आप फैक्टर बता लोगे ना, चलो कोई बताए इनका फैक्टर क्या होगा। मृत्युंजय जी आपसे निवेदन है, बच्चा निवेदन है भैया, आप मत करो यार। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहे हैं भैया, स्पेलिंग पता नहीं, जाने दो, छोड़ो। अब इसका मल्टीपल कर लो, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का एक्स में गुणा करोगे तो 5x, 2 का एक्स में करोगे तो 2x और 10 इक्वल 0। ये बताओ सबको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया नो बोलो, जिनको नहीं समझ में आया नो बोलो फटाफट। आशीष कुमार PBR स्टडी के स्पेशल स्टूडेंट हैं, आ गए, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये समझदार हैं। इधर साइड कट तो जा रहा है क्या, मैंने कहा लिखा भाई इधर x का स्क्वायर लिखा है, कट रहा होगा तो बता देना, लो नहीं कटेगा। चलो इसमें दोनों में अब क्या करोगे, x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, देखो जिनको नहीं आया फिर से बताऊंगा। इसमें x कॉमन का मतलब जानते हो, इसमें x कॉमन का मतलब ये है, अच्छा ये तो छोड़ो एक्स वक्स, अब मुझे ये बताओ x का स्क्वायर प्लस 5x इसमें कॉमन क्या होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता मैं उनको बताऊंगा इसमें कॉमन क्या होगा। चलो रेडी, जल्दी बताओ इसमें कॉमन क्या होगा, बताओ सभी बताओ क्या होगा कॉमन। देखो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो इसमें कॉमन क्या होगा, x होगा, बहुत से बच्चे बता रहे हैं इसमें x कॉमन होगा। देखो कॉमन का मतलब आखिर होता क्या है, कॉमन का मतलब आखिर होता क्या है, मैं बहुत बार बताऊँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है। देखो जैसे ये मैंने हाथ में मार्कर लिया है, दो दो मार्कर है दोनों में, दोनों में क्या है, दो दो मार्कर है। अब ध्यान देना इनकी अगर टोपी देखो आप, टोपा जिसे बोलते हैं, तो ये बताओ कौन सा ऐसा कलर का मार्कर है जो दोनों में है, जल्दी बोलो कौन सा ऐसा कलर का मार्कर है जो दोनों में है, बोलो फटाफट। वही कॉमन है, जो दोनों में है वो कॉमन है, जो अकेले है वो कॉमन नहीं है। अब तो समझ में आ गया कॉमन क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे। रविशंकर, भारती, ज्योति और पूजा, पुष्पा बता रहे हैं सब क्या है, ब्लैक है। देखो उस पर भी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा, जैसे रोली, गौतम, शुभम, सुधांशु, तो भैया आपसे निवेदन है आ जाओ चैनल नंबर 3 पे, सभी PBR स्टडी 3.0 पे आ जाओ। हाँ चलो, हमने 4 मार्कर लिए हैं जिसमें से 3 क्या हैं, 3 क्या हैं, 3 क्या हैं भैया, 3 ब्लैक कलर में हैं, एक क्या है रेड कलर में है, एक रेड कलर में है ना, लेकिन दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में ब्लैक है, क्योंकि इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, दोनों में ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कॉमन का मतलब समझ में आया, कॉमन का मतलब समझ में आया, अब चलो आगे देखो, ठीक है इतना हो गया क्लियर, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हाइड हो जा रहे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दो आप लोग, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉमन समझ में आया सबको, बोलो यस, सबको कॉमन समझ में आया, बोलो यस। देखो कॉमन नहीं समझ में आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको ये तरीके से बताया, आप देखो। तो उसी तरह से अगर हम बात करें इन दोनों में, तो ये यक्स का स्क्वायर मतलब यक्स इंटू यक्स प्लस ये 5 इंटू यक्स। अब ये बताओ इन दोनों में कौन सा ऐसा चर अचर या कुछ भी है जो दोनों में कॉमन है, बताओ इन दोनों में क्या है जो दोनों में है। आप देखो यहाँ पे यक्स है, यक्स है, इसमें 5 है यक्स है, देखो ये जहाँ पे प्लस लगा है इसके इधर दूसरा पद है, इधर दूसरा पद है, हाँ दोनों तरफ अलग अलग पद है। तो ध्यान दो, ये एक पक्ष है भैया, एक पक्ष है, कॉमन जो लेंगे दोनों में होना चाहिए, दोनों पक्ष में होना चाहिए एक प्रकार से। माही जी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, अपना इंटरनेट सही करिए आप। हाँ अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब इसमें दोनों में यक्स है तो हम यक्स कॉमन ले लेंगे,
तो सिंपल सा है, कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी ये डबल एक्स में से एक्स का कॉमन का मतलब एक्स से भाग, इसमें से एक्स का कॉमन का मतलब एक्स से भाग। तो भैया एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल सा है, इसमें से भी क्या होगा, ये तो हो गया। देखो मैं एकदम ऐसी चीज बताता हूँ जो नहीं बतानी चाहिए, ये सब तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बार बार थोड़ी बताऊँगा, एक बार बता रहा हूँ बस। 5 × x, इसमें से x कॉमन का मतलब है x से भाग दे दो, तो x से भाग का मतलब x कट गया, 5 बचा, इस तरह से ये कॉमन के बाद ये बचता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है आ गया, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें, तो आप सभी छात्रों से यही निवेदन होगा कि ईमानदारी से पढ़ें, फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, जो कमेंट करेगा उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई वाला कमेंट करोगे, बाकी कोई कमेंट नहीं करेगा किसी प्रकार का, जिनको पढ़ना है वो करें, जिनको नहीं पढ़ना वो जाएं, निवेदन है उनसे। चलो इसमें हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, अब कैसे बचेगा बता दिया हूँ, इधर इसमें दोनों में 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 बचेगा इक्वल 0। अब क्या करोगे, देखो जो दो बार आया है इसमें यही कंडीशन बनती है, कॉमन के बाद में एक में दो बार बचता है, एक अकेले बचता है, तो जो दो बार बचता है वो क्या होगा, हाँ बिल्कुल कभी नहीं देखोगे ऐसी क्लास, क्योंकि ऐसा कोई बताता नहीं है, सोचता नहीं लोग कि हाँ ऐसा बताना चाहिए, ये जो दो बार है उसको एक बार लिख लोगे, और ये कॉमन वाला जो है ना, और ये कॉमन वाला दोनों को जोड़ के संगे साथी बना देंगे, ये इनके क्या होंगे, गुणनखंड हो गए, क्या होंगे, गुणनखंड हो गए, क्या हो गए बाबू ये भैया, क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। तो अगर गुणनखंड कहा होता तो यहाँ तक ये उत्तर ठीक है, लेकिन अगर कहा होता कि द्विघात समीकरण के मूल बताइए, मूल, मूल मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता, हिंदी में जान लो मूल, अगर मूल पूछा होता तो इसको आप ऐसे करते, यदि x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 5, यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 2, अगर मूल पूछा होता तो इनके मूल होते x इक्वल माइनस 5 एंड माइनस 2, ये क्या है, इनके मूल हैं। बात समझ में आई ना, समझ में आई कि नहीं आई, चलो ठीक है नोट कर लो, मार्कर में थोड़ी सी मैं इंक डाल देता हूँ जिससे और बढ़िया चले, और जो भी बच्चे भैया अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए बाबू जल्दी से कर दो, देर मत करो, जल्दी से लाइक कर दो जो भी बच्चे नहीं किए हैं, और देखो लगभग 100 बच्चे होने वाले हैं PBR स्टडी 3.0 चैनल पे, तो जो 40-50 बच्चे देख रहे हैं PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, वो सभी PBR स्टडी 3.0 चैनल पे आ जाएं, ठीक है, PBR स्टडी 3.0 चैनल पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सारे कमेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम है दूर रखा है, और उसमें मैंने लाइव इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ से लौट जाते थे हर रोज़ निराश मायूस होके, इसलिए मैंने आज काफ़ी कड़ी मेहनत करके ये सिस्टम बनाया कि दोनों चैनल पे साथ में लाइव हो सके, जिससे कि कोई बच्चा छूटने ना पाए, किसी निराश का जो है वो उम्मीद ना टूटने पाए। हाँ तो जो बच्चे नहीं लाइक किए भैया जल्दी से कर दो, इसमें तो जेब ही नहीं, मैं रखूँ कहाँ, जाने तो मैं यहाँ रख देता हूँ। हाँ तो समझ में आ रहा है भाई, देखो कुछ सेकंड बंद हो जाए बीच में तो गाली मत देना, बस केवल मतलब समझो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना। समझ में तो आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो भैया लाइक का नहीं कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो, सभी बच्चे कर दें, निवेदन है, निवेदन है आप सभी से, आप सभी बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ तभी तो जुड़े हैं ना। चलो जानवी यादव चलिए ठीक है, मत आइए, जहाँ पे हैं वहीं रहिए आप लोग, अगर आप आना चाहते हैं तो YouTube पे PBR Study 3.0 सर्च करें, PBR Study 3.0 सिर्फ सर्च करें मिल जाएगा वो चैनल, इतना लिखना है बस, PBR Study 3.0 इतना लिखेंगे तो मिल जाएगा चैनल नंबर 3, क्योंकि PBR Study के 4 चैनल चलते हैं, तो चारों चैनल पे अलग अलग उद्देश्य से क्लासें होती हैं, लेकिन हमें इस चैनल को PBR Study के बराबर लाना है। जयप्रकाश आ गए भैया, चलो बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे बच्चे, चलो तो ये तो आसान आसान सवाल आप सभी कर लोगे, लेकिन अब अगर थोड़ा सा लंबा चौड़ा आ गया तो क्या करोगे, अब चलो थोड़ा सा लंबा चौड़ा पे हम लोग चलते हैं, ये आसान सवाल तो कर लोगे, देखो कभी कभी इन सवालों में कुछ अलग तरह के सवाल आ जाते हैं जिनको आपको समझना थोड़ा सा
मतलब कठिन लगता है, क्योंकि अब इनको बार बार करेंगे तो अच्छा नहीं है, इनको जाने दो थोड़ा फुर्सत में। अब ये बताओ मुझे कि 2x का स्क्वायर प्लस गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे 7 आए, प्लस 7x प्लस 3 इक्वल 0। देखो अगर इनके गुणनखंड करने को कहा जाए तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इनके गुणनखंड करने को कहा जाए तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप और सीखना होगा। अब मुझे इनका फैक्टर कोई बताएगा, इसमें से कोई स्टूडेंट इनके गुणनखंड बताएंगे? देखो मैंने जो पहले शुरू में कहा था कि हम प्रतिस्थापन विधि और वो विलोपन विधि वगैरह से हल करेंगे समीकरण, लेकिन वो युगपत समीकरण में होता है, युगपत समीकरण में। तो यहाँ पे हम युगपत समीकरण अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम छोटा मोटा तो सीख जाएं, फिर युगपत समीकरण में चलेंगे। ये द्विघात समीकरण भी सीख लो, ज़रूरी है। कोई उत्तर बताएगा? मेरा नेट मर गए भैया, नेट ख़त्म हो गया तो कह रहे हो नेट मर गया। चलो ठीक है, जो भी समझो अच्छी बात है। तो जो भी बच्चे नहीं समझ रहे हैं वो टेंशन मत लें, उनको हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन ट्राई करें बच्चा। चलो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं देख लूँ सिलेबस में और आगे क्या है, सिलेबस में क्या है। इसका आंसर कोई नहीं बताएगा? 4+3 बताया आशीष कुमार ने, लेकिन बच्चा गलत है भैया, 4+3 गलत है। इनका मतलब ये है कि 4 × 3 कर देंगे, तो बाबू देखो अगर 4 × 3 कर दोगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और गुणा करने पे यहाँ पे तो 3 है, तो लेकिन ये 3 नहीं है, ये अदृश्य रूप से है। बिल्कुल शरद तिवारी ने 6+1 सही बताया है, 6+1 सही बताया है, बिल्कुल 6+1 होगा इसका बीच का फैक्टर, लेकिन वो कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं देखूं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस में, नहीं तो हम ऐसे गाते बजाते रह जाएं और पता चले उसमें कुछ और दिया हो। हाँ तो देखो बच्चा, कल हमने समीकरण का अर्थ पढ़ लिया था, समीकरण सर्वसमिका में अंतर समझ लिया था, समीकरण बनाना तथा हल करना भी आपको आज सीखना पड़ेगा। हाँ समीकरण बनाना तो मैं बता दिया हूँ, नहीं बताऊँगा यहाँ पे, जाने दो, बहुत टाइम लगता है उसमें। हाँ लेकिन समीकरण हल करना ज़रूर बताएंगे। चलो ठीक है, इसको बता देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे उब रहे हैं, पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान दो। 6+1 होगा बिल्कुल। देखो जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आप लोग उसको हल करने के लिए कोशिश किया करो, ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, फिर हार गए बिना लड़े ही, अगर युद्ध में हार मान लिए तो मान लो आप ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए एक बार ट्राई करो, गलत होगा ऐसा ही होगा, कुछ तो होगा ना यार, कुछ तो होगा ना भैया। चलो देखो तो बाबू ये क्या होगा, इसमें आप एक चीज़ समझो, पहले हमें क्या करना है, जो यक्स का स्क्वायर वाला है उसका गुणांक देखना है। अभी तक आपने देखा था इस तरह का समीकरण, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, इस तरह का देखा था ना, जिसमें यक्स का गुणांक हमेशा 1 होता था। क्या होता था? 1 होता था। तो आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती थी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता था, इस वजह से आपको ये स्टेप नहीं बताया जाता था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी क्या है, 2। अब कहोगे गुणांक क्या होता है, इधर देखो, जैसे अगर 9x^5 लिखा है तो जो यक्स की घात 5 के साथ में ये अचर पद लगा है कांस्टेंट, वही क्या है, गुणांक है। यक्स की घात 5 का अगर गुणांक बोलूं तो क्या है, 9 है। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैंने 7x लिखा तो यक्स का गुणांक क्या है, 7x लिखा तो यक्स का गुणांक क्या है, बोलो। भाई सिंपल सी बात है भैया, 7x मैंने लिखा तो यक्स का गुणांक 7 है, बस सीधी सी है। हाँ अब देखो, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 2 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। बिल्कुल रविशंकर ने बता दिया, आशीष भारती और जो भी हैं सब बता रहे हैं। तो इसका जो गुणांक है यानी 2 और जो लास्ट वाला है यानी 3, इनका दोनों का हम गुणा कराएंगे आपस में, एक नया नंबर मिलेगा, 2 × 3 = 6, ये 6। हाँ अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखा तो 3 है लेकिन आपको इसको 6 मान के चलना है। क्या करना है, 6 मान के चलना, सिर्फ अंदर में मानना है बस, बाहर नहीं दिखाना है।
मतलब यहाँ पे आपको छः नहीं लिखना है, सिर्फ मान के चलना है कि ये छः है। क्या मान के चलना भैया? ये मानना है कि ये छः है, बस इतना मान के चलो ये क्या है, सिक्स है। अब ध्यान दो, तो अगर ये सिक्स है तो हमें ये देखना है कि हम छः को कोई ऐसा दो भाग में तोड़ें कि जिसका गुणा करें तो छः आ जाए और जोड़ दें तो सात हो जाए। गुणा करें तो छः आ जाए, जोड़ दें तो सात हो जाए। बोलो बोलो, देखो अगर आप कहो कि भैया दो और तीन का गुणा कर लो छः हो जाएगा, इसमें कौन मुसीबत है, लेकिन ये गलत है। काहे गलत है? क्योंकि दो और तीन को अगर जोड़ेंगे तो पाँच होगा, लेकिन ये तो सात लाना था, तब फिर ये तो अलग भाग रहा है, कैसे होगा फिर? फिर कैसे होगा? फिर सिंपल सी बात है, आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सारा दिमाग लगाओ जितना है। देखो इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना होता है, बाकी अनजानने वाली बात तो अलग है। दो तिहाई छः, ये तीन एक कम तीन, एक से काटोगे बच्चा तो एक एक कम एक। हाँ अब देखो ये तरीका होता है बड़े नंबर में समझने के लिए, ध्यान देना। आपको इनके एक जोड़े बनाने हैं, पहले आप ऐसे करो, तीन का और तीन एक का एक जोड़ा बना लो और दो का एक जोड़ा बना लो। तो दो का एक जोड़ा मतलब दो, तीन एक का एक जोड़ा मतलब तीन, दो और तीन, जो कि फेल हो चुका है, दो और तीन फेल हो चुका है। अब ध्यान दो, ऐसे यहीं से बनाते हैं, बाकी सोचने वाली बात नहीं होती हर जगह, ठीक है? दिमाग हर जगह नहीं चलता है, सोच नहीं पाओगे। छोटा संख्या है तो सोच लोगे, अगर बड़े बड़े संख्याएं होंगी तो सोच नहीं पाओगे। तो अब इनको ऐसे ना करो, अब इनको दोनों को साथ कर दो, एक को अकेला कर दो, तो ये दो तिहाई छः और एक, हाँ बन गया, बन गया। वो क्या है? छः और गुणा एक और छः धन एक, हो गया कि नहीं हो गया? यही चीज़ इसमें मुश्किल होती है भैया, बाकी सब आसान होता है। समझ में आ रहा सबको? रूबी, अलवी, आशीष, अमन, संध्या, जो भी बच्चे उस चैनल से यहाँ पे आ गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलो अब देखो, ध्यान दो, देखो आपको उस चैनल पे भी बने रहना है, उसको अनसब्सक्राइब करके हटाना नहीं है, क्योंकि वो भी आपका अपना ही चैनल है और उसी के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी 15 दिन इस पर पढ़ना है बस। चलो देखो अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखोगे जैसे है, इन पे कोई बदलाव नहीं होगा। 2x का स्क्वायर प्लस ये 7x की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई? 6+1। 7x की जगह पे क्या लिखोगे? x तो छोड़ दो, सिर्फ 7। 7 को 6+1 लिख दिया, x तो बगल में ऐसे लटका है चोर की जैसे झांकता रहेगा, ये +3=0। हो गई कहानी पूरी, गुणा कर लो, अंदर में कॉमन ले लो, आ गया फैक्टर। बहुत से बच्चों का इसमें उत्तर भी आ गया, मुझे पता है बहुत से बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। चलो देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर प्लस ये 6x प्लस x प्लस 3=0, कॉमन आ गया। फिर से कॉमन क्या होगा देखो, एक एक पॉइंट पॉइंट बताने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आपको समझ में आ जाए हमारी ये कोशिश होती है। बाकी अगर ख़त्म करना है तो हम बहुत स्पीड में चलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आपका ख़त्म सिर्फ ख़त्म ही ना हो, बल्कि आपको भी समझ में आ जाए, हमारी तरफ से ही ना ख़त्म हो, आपकी तरफ से भी ख़त्म हो जाए। तो देखो वही कॉमन वाली बात आ गई भाई, देखो इसमें 2x का स्क्वायर है, इसमें 6x है। अगर हम इसका यहाँ पर पोस्टमार्टम करके आपको दिखाएं तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर में क्या है, पोस्टमार्टम करेंगे तो इसको पता चलेगा इसके अंदर में क्या है। देखो पोस्टमार्टम का मतलब ये है 2 × x × x, हमने 2x² का पोस्टमार्टम किया तो इसकी हड्डी पसली सब अलग अलग हो गई, तो दिख रहा है क्या क्या है। इसमें करो 6x का करो, इसको अलग कलर से लिखो, ध्यान दो, इसका जब हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसका एक एक पार्ट अलग करेंगे, तो ये अब इसमें दिख रहा क्या क्या है ना, दिख रहा ना क्या क्या है, यानी इसमें देखो 2 भी है, 3 भी है, x भी है, इसमें भी देखो 2 है, x है, x है, यानी कॉमन क्या है ऐसा, इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो दोनों में है, मतलब कौन सा ऐसा अंक है या पद है जो दोनों में है, बोलो। अरे जवाब दो यार भैया, सभी लोग बोलो, जो भी बच्चे देख रहे हैं काहे को सन्नमन हो गए हो, अरे कुछ तो करो ना यार भाई। चलो ठीक है, हाँ अरविंद जी, दीक्षा, प्रतिभा, प्रार्थना, सनी, अंकिता, ज्योति, शिवानी, पूजा, शरद, अमितेश, वेरी गुड। चलो बच्चे देखो इसमें 2 है, x भी है, इसमें भी 2 है, x है, यानी कुल मिला के 2 और x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, हम कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब हम उसको ख़त्म कर दिए,
भैया कॉमन का मतलब हम इसको काट दिए, खत्म हो गया, दो एक्स कॉमन ले लिए, दो भी खत्म, एक्स भी खत्म, इसमें एक्स बचा, इसमें का बचा बाबू, इसमें तीन बचा। ये समझ में आई कहानी? कहानी समझ में आई ना? ताली बजाओ जल्दी से सभी बच्चे। चलो अब देखो इधर, देखो भाई ये रैली नहीं है नेता लोग की, ताली नहीं बजाना है। आप ताली बजाओगे तो मोबाइल गिर जाएगा जो बच्चे पकड़े हैं, और मोबाइल फूट जाएगा तो मिलेगा नहीं, इसलिए मत बजाओ। चलो देखो मेरे ऊपर स्याही भी गिर गई। ज़्यादा स्याही डालो तब भी मुसीबत है, ना डालो तब भी मुसीबत है यार, ज़िंदगी का क्या अजीब खेल है ये। 2x और x प्लस 3, यही तो बचेगा। अब इसमें x प्लस 1 में 3 में क्या कॉमन है? इसमें सोचो x प्लस 3 में क्या कॉमन है? इसमें तो कुछ कॉमन आपको दिख ही नहीं रहा होगा। क्या कॉमन है? कुछ लग रहा है क्या? x प्लस 3 में तो कुछ कॉमन लग ही नहीं रहा है, लेकिन मजबूरी है, कॉमन तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है, कॉमन तो लेना पड़ेगा। क्या करोगे फिर? क्या करोगे? कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें इसके बाद में कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, लेकिन हम वन कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? वन कॉमन इसलिए लेंगे जिससे कि अगले कोष्ठक में ये आ जाए। हमारी कोशिश होती है कि दोनों कोष्ठक में ये सेम गुणनखंड आना चाहिए, मतलब इधर जो बंद रहेगा इधर, दोनों में एकदम बराबर आना चाहिए, चिन्ह भी बराबर रहना चाहिए, सब कुछ बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? वन कॉमन लोगे बच्चा तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल 0। ये समझ में आया? अब जो दो बार का मतलब जो कॉमन में बचा है, ये और ये दो बार है, एक समान है ना, मतलब कोई प्रकार का डिफरेंस नहीं है ना, इसमें कोई लेटर अलग है ना चिन्ह अलग है, सब कुछ एक समान होगा। इनको एक जगह लिख दोगे तो x प्लस 3 हो गया। अब जो दोनों कॉमन था ये 2x और ये प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 एक हो गया। इस तरह से अगर हम बात करें गुणनखंड की, फैक्टर की, तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का जो फैक्टर है x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 है। लेकिन अगर मूल की बात करें, जो बच्चे कक्षा 10 में हैं या DLED में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी आता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब जानते हो? मूल ही मत समझना, ये मूली वाला ही होता है। मूल बड़ी का मात्रा लगा दो तो मूली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मूली का मतलब नहीं, सिर्फ मूल समझो बस। हाँ मूल बताओ आप लोग। चलिए भैया आशीष जी काहे को परेशान हो यार, आप काहे को यादव जी के पीछे पड़े हो? दुनिया पड़ी है यादव जी के पीछे, आप भी पड़े हो। चलो यहाँ देखो, अब अगर यहाँ पे हम मूल की बात करें तो क्या करोगे? यहाँ पे लिखो यदि, देखो ये गुणनखंड करना है तो उत्तर आ गया, अगर सिर्फ गुणनखंड करना है तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर मूल निकालना है तो देखो मूल निकालना है तो एक स्टेप और करोगे। यदि x प्लस 3 इक्वल 0 तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो भैया यहाँ पे आप लिखोगे x बराबर माइनस 3। इसी तरह से आप दोनों को बारी बारी शून्य के बराबर करोगे। यहाँ पे लिखोगे यदि x, नहीं नहीं ये 2x प्लस 1, यदि 2x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 1 अपॉन 2। अगर मूल की बात करें तो मूल क्या क्या होंगे? इसके दो मूल होंगे, एक तो माइनस 1 अपॉन 2 होगा, एक माइनस 3 होगा। ये दो मूल होंगे, दोनों क्या हैं? दोनों माइनस में हैं। क्या हैं? दोनों माइनस हैं। बात समझ में आई? नोट कर लो फटाफट, लिख लो। देखो आपका जो क्लास का टाइम है बच्चा ओवर हो गया भैया, ये टाइम ओवर हो गया बाबू। अब आपका 10 बजे वाली क्लास होगी, अब से 15 मिनट बाद आप सभी आना फटाफट। लेकिन हाँ, जो बच्चे PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे हैं वो याद रखें PBR स्टडी 3.0 चैनल पे देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? PBR स्टडी 3.0 चैनल पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपका कमेंट भी पढ़ेंगे। 15 तारीख तक आपको यहीं पढ़ना है, 15 के बाद आप PBR स्टडी इलाहाबाद पे देखना, क्योंकि उसी पे क्लास चलेगी अकेले। लेकिन अभी इस चैनल को ना थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठाना है, इसलिए आप सभी बच्चों को PBR स्टडी 3.0 सर्च करके लाइव आना है रात 10 बजे से। क्लास तो ऐसे दोनों पे चलेगी, लेकिन आप आना इसी पे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम उसी पे बंद करेंगे, PBR स्टडी इलाहाबाद वाले पे, जो भी जुड़े हुए हैं बच्चे, जैसे कविता राजपूत जी जुड़ी हैं PBR स्टडी इलाहाबाद वाले चैनल पर, अरविंद भी जुड़े हैं, और प्रतिभा पासवान, निशा सिंह, और कौन है भैया, नैतिक, और कौन है, मनीषा, और अवधेश, नीलम। तो सभी बच्चे किस पे आएंगे? आप सभी लोग जो भी PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे हैं इस पे आएंगे। होमवर्क के लिए टाइम नहीं है यार, पहले नहीं याद दिलाते हो आप लोग। अच्छा दे देता हूँ, निराश मत हो। चलो
क्योंकि आप लोग को निराश करना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलो देखो होमवर्क लिख लो जल्दी से फटाफट, होमवर्क लिखो, गुणनखंड करना इनके, एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस 14 इक्वल जीरो, इनके गुणनखंड करना, फैक्टर करके बताना, होमवर्क लिखो, भागो मत, बेईमानी नहीं, चलो होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ठीक है, दे रहा हूँ मोहम्मद हिलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम जो आपने याद दिलाया। चलो वैसे मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, मेरी बात को बुरा मत मानना। बहुत आसान आसान है, तीन ही सवाल चलो कर लेना, मतलब ये ना कहना रहे कि मैंने होमवर्क नहीं दिया। लिख लो होमवर्क, लिख लो सभी बच्चे। अब से जस्ट 13 मिनट बाद लाइव आएंगे, मतलब 5, 5, 10 और ये 3, 13। हाँ ये भाई नीचे नहीं जा रही का, हाँ ठीक है 13 मिनट बाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कोटि कोटि धन्यवाद। जो बच्चे PBR स्टडी के चैनल नंबर 3 पे हैं या फिर किसी भी चैनल पे हैं, वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके रखें, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, चलते रहें, पढ़ते रहें, जागते रहें, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। हम लोग मिल करके कोशिश करेंगे और शिक्षा को सामान्य लोगों में भी पहुंचाना है, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, यही उद्देश्य है। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप DL.ED कर रहे हो, TET, CTET कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो पहले मैं 3.0 बंद कर रहा हूँ।